बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने वालों पर जहरीली शराब कहर बनकर टूट रही है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जहरीली शराब ने जमकर तांडव मचाया है। सारण में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी इसकी चपेट में हैं। पीड़ित के परिजनों ने भी जहरीली शराब पीने की बात कबूल की है। गाड़ी दिखा रही क्या है? यही पिए थे था। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल डॉक्टर वाले जल्दी जल्दी इलाज करिए, ठीक हो जाएगा, ये तो बोलोगे। अभी तक तो डॉक्टर दू सुई पिन के दिया हूँ, ये लगाया, अभी तक तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बोला। फिलहाल यहाँ 3 लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। 3 के शरीर में एक तरह के लक्षण हैं। जो लोग जहरीली शराब का शिकार बने हैं उनमें शामिल पलटन महतो का इलाज वैशाली जिले के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है, तो रविंद्र गिरी का मढौरा और मकेर के रहने वाले संजय सिंह नामक शख्स का छपरा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। 2 व्यक्ति के बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है जो इलाजरत है। जो एक तो जो इलाजरत है वो वैशाली जिले में इलाजरत है, जो पलटन महतो करके है, और एक जो है अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है, अंजय सिंह। तो कुल मिलाकर के 16 लोग इस मामले में हम लोग को आया है, जिसमें 14 संदिग्ध परिस्थिति मृत्यु, जिसका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि क्या संभावना है उस संबंध में, और 2 जो है वो इलाजरत है। ये दोनों अभी खतरे से बाहर है, और दोनों पर जो है पलटन महतो तो इस ज़िले से बाहर इलाज करा रहे हैं, लेकिन अंजय यहीं पर अभी सदर अस्पताल में तुरंत आया है कुछ देर पहले, तो उनको भी हम लोग डॉक्टर की टीम को इसमें सतर्क किया है, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों ने शराब पी थी, जिसे जगदीशपुर जनता बाजार के शराब धंधेबाज मुन्ना महतो से खरीदा गया था। उन्हें पीते समय केरोसिन जैसी दुर्गंध भी महसूस हुई थी। उनका मुन्ना का दुकान से लिया था, वही टीबल के पास से, जगदीशपुर बाजार पे। देखिए, जब मैं पिया तो झांस टाइप में लगा, समझिए, जैसे कि डीजल किरासन तेल का जैसे लगा हमें पीने में। तो हम छोटा ही लिए थे, अपना 50 वाले लिए थे। उधर पुलिस ने धंधेबाज मुन्ना महतो को गिरफ्तार कर लिया है। छापामारी भी पिछले 2 दिन से लगातार कराई जा रही है, और काफ़ी मात्रा में स्प्रिट और देसी शराब और विदेशी शराब की भी बरामदगी हुई है, और जो मेन अभियुक्त है वहां का उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसने इस तरह की सप्लाई की है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस शराब को पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी उसे मुन्ना महतो ने ही बेचा था। वही पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस जहरीली शराब के अलावा दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शशि सिंह, न्यूज़ लाइव, छपरा।